हम खड़े हैं देवनार बकरा मंडी में और देवनार बकरा मंडी का आज आखिरी दिन है। मैं आमिर नुक्कड़ लाइव पे आपका स्वागत है। बकरा मंडी का जो है आज का आखिरी दिन है क्योंकि कल पूरे हिंदुस्तान भर में बकरा ईद मनाई जाएगी। उसी को देखते हुए आज हम बकरा मंडी में पहुंचे कि हर साल यहाँ पर लाखों लोग और लाखों बकरे आते हैं जहाँ पर बकरे की और बड़े जानवरों की खरीदारी होती है। हर साल जिस तरीके से बीएमसी दावे करती है, जिस तरीके से यहाँ के लोग दावे करते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इस बार का मौसम है, किस तरीके से यहाँ पे जो व्यापारी है उनको कुछ राहत मिली, जो लास्ट ईयर जिस तरीके से तकलीफ हुई थी, पानी भरने की समस्या, कीचड़ और जो तकलीफ थी, इस बार शेड्स वगैरह बनाए गए हैं, तो यहाँ पर व्यापारी से भी बात करके समझने की कोशिश करें कि इस बार उनका जो एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या नाम है आपका? लाला खान साहब। अच्छा, इस बार जो बकरे के, जैसे हर साल जैसे यहाँ पे बाड़े बनते हैं, बारिश में प्रॉब्लम होती है खरीदार को, कैसा लग रहा है आपको इस बार? कैसा सुविधा है, क्या चीजें हैं? माशाल्लाह बीएमसी ने बहुत अच्छा इंतजाम किया पब्लिक के लिए। बीएमसी जो इतना वो कर रही है इंतजाम, वो बहुत अच्छा है। बीएमसी का जो व्यापारी लोग आ रहे हैं इस साल बहुत खुश है बीएमसी की तरफ से। जो पुलिस भी इतना मदद कर रही है, बहुत अच्छी बंदोबस्त करी है बम्बई पुलिस हमारी। अब बीएमसी का ज्यादा उसमें वो है, मतलब कुल मिला के बात है कि बीएमसी ने सही काम किया इस बार, लोगों को सुविधा हुई है। बीएमसी ने बहुत अच्छा काम करी है बात, सब व्यापारी लोग भी बहुत खुश है। जो बाहर बाहर से आए धंधा करने के लिए वो बहुत खुश है। धंधा उनको ये बार बहुत अच्छा करने मिला है। मंडप जो बानी है, सेट बानी है, बहुत अच्छा सेट बानी है। ये गोडाउन है जहाँ पर से चारा जो है पूरे देवनार मंडी को चारा जाता है। खरीदार भी जो लोग है यहाँ से चारा खरीदते हैं। भाई ये क्या साल के 12 महीने रहता है? साल के 12 महीने रहता है, हर दिन का, हर साल हर 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 महीने का हर दिन रहता। अच्छा। साल के 12 महीने का लाइसेंसी दुकान है, साल के 12 महीने माल मिलता पूरा। अच्छा, मेरे को एक बात बताइए, आप काफी टाइम, मतलब बहुत टाइम से यहाँ पे है। हर साल जो देवनार में जो पानी की जो तकलीफ होती थी, पानी भर जाता था, तो गए साल से इस बार का काम कैसा है? गए साल से इस बार अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा पानी नीचे का जो है ना, नीचे की सफाई गटार के बराबर नहीं हुई। अगर गटर के बराबर तो ऊपर के इंतजाम अच्छा रहता था, लेकिन गटर तो अभी रिपेयर हुई, बड़ी बड़ी गटर बनी है, बड़ी बड़ी गटर बनी है। उसके साथ में जो पीछे जो गटर जो अंदर जो शेड बना है, शेड के अंदर का जो पानी निकलने के लिए उसका नाली ने बनाया। लेकिन शेड कैसा बना हुआ? शेड तो बहुत अच्छा है, इंतजाम पूरा अच्छा है, इंतजाम में कोई फर्क नहीं है, इंतजाम होता है। सिर्फ पानी वाले कहाँ का जरा तकलीफ हुई एक शेड के अंदर, बाकी इंतजाम अच्छा है। मतलब शेड वगैरह बराबर था, कहीं ना कहीं पानी को निकासी के लिए, मतलब गटर का काम नहीं, काम बराबर नहीं हुआ था एक जगह, बाकी सब जगह तो अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई बात की। 10 मार्क्स में से आप कितने मार्क्स देंगे शेड के काम? 90%। मतलब इस बार बीएमसी ने अच्छा काम किया, बिल्कुल अच्छा काम करी। बीएमसी का धन्यवाद कैसे करेंगे? धन्यवाद क्या, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे उसका, लेकिन इस तरह अच्छा काम हो गया, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर उस्मान कुरैशी। लोग बाड़े में तो बेचते हैं और देखा होगा आपने किस तरीके से गोडाउन में भी चीजें बिक रही है, लेकिन जो रोड पर सड़क पर बैठ के बेचने वाले छोटे मोटे जो लोग हैं उनसे समझेंगे कि कैसा इस बार देवनार का जो है काम रहा। अच्छा, क्या नाम है भाभी आपका? शीतल सुभाष धोत्रे। अच्छा, सरनेम धोत्रे आपका। अच्छा, मुझे बताइए ना कि हर साल बेचते हैं आप? हर साल बेचते हैं। तो ये जो मंडी में जो जिस तरीके से हर बार, जैसे आप तो नीचे बैठ के बेचते हैं, आप ऐसे कोई भाड़ा नहीं लेते, तो कैसा होता है कि हर साल देखते थे कि पानी भर जाता था, बहुत सारी प्रॉब्लम होती थी, इस बार ऐसा कुछ देखने मिला? नहीं, पानी नहीं भरता। गए साल से काम कैसा है यहाँ? अच्छा है, ऐसा ही बेचते हैं हम लोग बैठ के। लेकिन वही तो बात है कि हर बार पानी भर जाता था लेकिन इस बार पानी नहीं भरा, तो इस बार अच्छा काम हुआ कैसे? अच्छा। तो रोड पर जो बेचने वाले जो लोग हैं, यहाँ पर लोग हमेशा रोड पर बेचते हैं, खास करके लोगों को तकलीफ होती है जब जमीन पे जब पानी भर जाता है और लोगों को बेचने की तकलीफ होती है, इनको अपना गठरा जो है सर पे लेके खड़े रहना पड़ता है, लेकिन आज लोग सुकून से इत्मीनान से बैठे हुए दिख रहे हैं, इनसे बात करेंगे। ये हर साल लगाते हो क्या? यस, हर साल। तो हर साल जो पानी भर जाता था, ये माल सर पे लेके खड़े रहना पड़ता था, बेचना पड़ता था, इस बार तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा, कैसा काम है? अच्छा है, इस साल थोड़ा हेल्प हो गया है, कुछ चेंजिंग हो गया है। तो पहले से कितना अच्छा काम हुआ? अभी जो माल वेस्ट हो रहा था, बिक रहा था बारिश के वजह से, तो अभी थोड़ा सा कम हो रहा है, थोड़ा बच रहा है, तो सही है। और ये जो शेड वगैरह किया है ना, वो पहले नहीं था, वो अभी हो रहा है ना, तो उसके हमको अंदर भी बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं आती, मतलब अभी बहुत अच्छी सुविधा हो गई है, पहले हो रही है अभी। अच्छा, इसमें और सुधार होना चाहिए? हाँ, थोड़ा और, यहाँ पे जो पानी गिरता है ना यहाँ पे, तो वहाँ पे गीला थोड़ा होता ही है, वो पानी है ना, वहाँ पे खड्डे वगैरह हो गए हैं ना, तो पानी पूरा जमा हो जाता है, तो चलने को भी दिक्कत होती है, पैर के ऊपर पूरा पानी हो जाता है। क्या बोल रहे थे आप? देवनार में जो सुधार हुआ है बहुत अच्छा हुआ है,
क्या नाम है आपका? मेरा नाम रविंद्र शंकर बालसरा। अच्छा चाचा क्या नाम है आपका? शकील अहमद। कहाँ से आए? रावेर। ये कहाँ पे आता? जलगांव जिला। अरे वाह, जलगांव वाले महाराष्ट्र के लोग है। अच्छा हर साल एक देखा होगा आपने, पानी भर जाता था, छत टपकती थी, व्यापारी जब बारिश होती तो यहाँ भागने लगते थे। इस साल कैसा लगा? एकदम अच्छा लगा, मजा आ रहा है। मार्केट कैसे है? अच्छा है, कमा लिए पैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, धंधा हुआ है? हाँ हुआ हुआ। वो तुम्हारा बकरा परेशान कर रहा है। मैं तुम इस बार अभी थोड़ी देर पहले बहुत जोर से बारिश हुई थी, उसके बाद हम इस शेड में यहाँ पर जो है आकर के रुक गए। ये शेड लगाया हुआ है बीएमसी द्वारा। अच्छा हर साल जो शेड लगता था बारिश की तकलीफ होती थी, इस बार कैसा रहा बीएमसी का सिस्टम? एकदम अच्छा रहा है। इस बार शेड लगाया कैसे लगा? अच्छा रहा, कुछ नहीं, पानी की कोई तकलीफ नहीं हुई। इधर कहाँ से आया? हम जालना से। जालना से आए? क्या गाँव वाले तुम तो मेरे। तो अभी इस बार जो जैसे इतनी जोर से बारिश हुई, इतनी बार बारिश हुई, कोई पानी का भरना कहीं पे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं, साफ एकदम एकदम। कैसा इस बार कैसा लगा? इस बार अच्छा लगा। धंधा करके मजा? नहीं धंधा तो अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला भाई, बिस्मिल्ला भाई थे। शेड के बारे में हम कुछ लोगों से पूछ रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार शेड कैसे लगा है, कैसे बीएमसी ने काम किया, उस चीज के ऊपर बात कर रहे थे। अच्छा कितने का दिया ये बकरा? 30,000 का। 30 का? एक मिनट, ये कितने का लिया? 12,500 का मिला। ये कितना बोल रहे? 30,000। ये 30,000 का, ये 12,500 का, दोनों में फर्क क्या समझाएंगे आप? उसका वेट भी कम है, इसमें वजन ज्यादा है, और इसकी खूबसूरत है और उसमें खूब अलग अलग दोनों। अच्छा बताओ हर साल आते हो तुम लोग? हाँ जी हर साल आते हैं। हाँ जी, तो ये जो शेड लगे इस बार, हर बार जो पानी भरना वो सब चीजें जो होती थी, व्यापारी लोग है तुम लोग को तकलीफ होती थी, इस बार कैसा है? अब की बार ऐसा फील हुआ है, थोड़ा सा अगर और कर देते तो आगे पानी नहीं भरता, अगर ऐसा ही थोड़ा और कर देते तो, ज्यादा नहीं, अगर 10% भी कर देते थोड़ा ठीक हो जाता काम। 10% कर देते मतलब कुछ करा ही नहीं है? नहीं नहीं किया है, अगर 10% और करे तो आगे लोग परेशान नहीं पाते। शेड तो लगा हुआ है सर? नहीं इधर लगा हुआ, आगे नहीं लगा हुआ, मतलब यहाँ जब बीएमसी लगाने बोलेगी वही लगेगा ना। तो कैसा लगा इस बार धंधा करके? इस साल बड़े अच्छा लगा, मजा। हाँ मजा, कमा के एकदम घर फुल। हाँ जी कमा के एकदम चिकन फुल। क्या नाम है तुम्हारा? सोनू नाम है। सोनू पूरा नाम? सोनू राठौर। सोनू राठौर, तुम्हारा क्या नाम? विजेंद्र चौहान। विजेंद्र चौहान, कुबेर भाई, कुबेर खाते हो ना तुम? क्या नाम है? विजेंद्र चौहान। विजेंद्र चौहान, कुबेर भाई, तो मतलब व्यापारी लोग का कहीं ना कहीं ये कहना है कि इस बार शेड डालने की वजह से जो व्यापारियों को जो तकलीफ होती थी वो इस साल नहीं हुई है। हो सकता है आने वाले दौर में और इससे ज्यादा जो है बीएमसी प्रशासन जो है और इस स्लॉटर हाउस के लोग और ज्यादा अच्छी सुविधाएं लोगों को दे। बूचर बॉय करके एक सिटी बूचर बॉय करके एक एप्लीकेशन स्टार्ट हुआ है, उसके अंदर आप ऑनलाइन कुर्बानी भी कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा सिस्टम है जहाँ पर आप आपकी ऑनलाइन कुर्बानी कर सकते हैं। ये जो जितने आपको जो बाजार में घूमना है, बारिश है, समस्या है, चोरी का डर है, ये सब चीजों से भी आप बच सकते हैं।